अब मैं अंग्रेज़ी में बात करूंगी यू नो आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल एंड इट वाज सो कोल्ड लाइक आई हैड ऑलमोस्ट फर गॉडन माई जैकेट एंड देन आई आई हैड अ फ्रेंड एंड शिगेमिया मफलर एंड अ जैकेट एंड आई फेल सो मच बेटर तो सेम चीज़ मैं हिंदी में बोलूँगी पता है मॉल गई थी वहाँ पर मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना फिर मैं ना मेरी दोस्त थी उसने मुझे जैकेट दे दिया मफलर दे दिया तब जाके मेरे को आराम मिला हमारी कंट्री में ना लोग कॉफ़ी शॉप में जाते हैं ना तो इंग्लिश में ऑर्डर करते हैं कुछ यू प्लीज़ मेक मी अ कैपुचिनो विद सम चॉकलेट पाउडर ऑन द टॉप कुड यू प्लीज़ गिव मी डबल शॉट एक्सप्रेसो और कट टू एक बंदा आता है भैया ज़रा आपके पास कैपोचिनो होगा उस पर ना थोड़ा सा ऊपर चॉकलेट पाउडर डाल देना और ना दूसरा बंदा कहता है ये ना सिक्सटी एम है मतलब दो होगा ना उसमें फ्लास्क में डबल शॉट एक्सप्रेसो दे दीजिएगा आप मुझे गर्म कप कर में करके हैं तो वे द इंग्लिश साउंड्स लाइक डबल शॉट एक्सप्रेसो यू नो आई वाज़ फीलिंग वेरी कोल्ड इन द मॉल साउंड्स स्टाइलिश साउंड्स कूल हिंदी में यार उसने मफलर दे दिया जैकेट पहन ली थोड़ी ठंड थोड़ी सी ठंड कम हुई यार एक कॉफी दे देना दे भैया प्लीज़ एस्प्रेसो। इट इट्स लिटिल लाइक हमारे यहाँ पे ना अंग्रेज हमको ना एक कलोनियल हैंग ओवर छोड़ के चले गए हमको अपनी लैंग्वेज में बेस्ती फील होती है कोई बंदा हिंदी में बात करता है ना तो हम बोल ऐसे देखते हैं ऐसे देसी डोड so स्टाइल नहीं है इसमें या तो उसके पास पैसे नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल नो जो बहुत अमीर होते हैं ना दे वेरी गुड एट हिंदी बहुत देसी होते हैं शो ऑफ ही बिल्कुल भी नहीं होते और हो पता चलाता कि उनका लाइक दे आर रिच पीपल बॉम्बे में वो कल्चर है दिल्ली में तो शो ऑफ सीन है कि इंग्लिश में बात कर लो एम्पोरिया मॉल में जाओ और स्टाइल से बोलो भाया तो दिस साउंड्स लाइक कूल क्योंकि अंग्रेजी में बोला है hmm? हमारे इंडियन लोग ना कैनेडा जाने का उनको बड़ा शौक़ होता है कि कैनेडा यूएस चले जाओ है ना वहाँ के एकदम से ना कुछ लोगों के अंदर ना एरोप्लेन के अंदर बैठते हैं ना वहीं से एक्शन आ जाता है मतलब जैसे अगर नीचे से जर्मनी जर्मनी नहीं तो यूएस या यूके क्रॉस करते ना एकदम से ना लाइक वाटर एंड लाइक यू नो आई मीन करके ना मतलब एक महीने में एक्सीडेंट लेके इंडिया आ जाते हैं अगर आना पड़ा तो और एकदम से ना स्टाइल आ जाता है कि डू मैं तो फॉरन रिटर्न डू तू नहीं है आई कॉन्ट बिलीव दिस मतलब हमारा देश कितना आगे पहुंच चुका है बट अभी भी ये जो इनसिक्योरिटीज़ है ना ये हमारे हमारे uh, सिलेवरी सिस्टम हमको ऐसे गिफ्ट करके चला गया है कि अभी भी हम इंग्लिश को उच्च कोटि का काम दे नाम देते हैं और हिंदी को हम एज अ कंसिडर करते हैं मतलब अगर आपका एरोप्लेन अगर नेपाल और श्रीलंका और तमिलनाडु के ऊपर जाता है तो वो वाले एक्सेंड लेके क्यों नहीं आते हैं और कब तक हम इस चीज़ को कूल समझते रहेंगे लैंग्वेज इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अगर किसी और इंसान को आपकी बात जिस भाषा में भी समझ में आ रही हो वो इसीलिए भाषा बनी है भाषा को एक स्नॉप वैल्यू बनाने के लिए नहीं बनी दर आई एम इंग्लिश स्पीकिंग आई मीन जर्मन फ्रेंच और जो इन लोगों के साथ मैंने काम किया है वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तुमको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है क्या कि वो तुम्हारे साथ काम कर सकें और हमारे इंडियन लोग उनकी लैंग्वेज सीखते हैं इंडियन बहुत क्विक लर्नर्स होते हैं आई वुड आई थिंक आई थिंक मोर बिकॉज फ्रेंच और जर्मन ये लोग नहीं सीखते हमारी भाषा हमको उनकी भाषा सीखनी होती है क्योंकि हमको वो उनके साथ काम करना उन पैसे ज़्यादा होते हैं और कल्चर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है बट हम इसको स्नॉप वैल्यू कम से हमने समझ लिया कि अंग्रेज़ी बोलने से आप स्टाइलेज ज़्यादा हो गए कूल cool ज़्यादा हो गए हिंदी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डूट आई मीन देर इज़ नो नंबर्स ऑफ बींग मोर कूलर बिकॉज यू स्पीक इन इंग्लिश